इस इलाके में आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। और ये देखिए किचन, आज ही पेंट करवाया। हाँ, रोशन है, हवादार है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह बहुत पुरसुकून है। तुम ठीक कह रही हो। हाँ, मैं हूं बेवकूफ, अकल का अंधा। अगर ना होता तो तुमसे शादी हरगिज़ ना करता। लानत है ऐसी शादी पे जहां हर रोज पछताना पड़े। उफ, मुझे क्या पता था कि मैं इतने घाटे का सौदा कर रही हूँ। ये नीचे वाले लोग कैसे हैं? जरा जबान के तेज हैं, लेकिन किसी पड़ोसी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आपस में अलबत्ता नोक झोंक तो चलती ही रहती है। फिर कौन सा ऐसा घर है जहाँ खटपट ना होती हो। आइए आइए, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। हमें घर पसंद है। माशाल्लाह, नई नई शादी लगती है आपकी। कब अपना सामान लेकर आ रहे हैं? किराया बहुत ज्यादा है। 6,000 में आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। मालिक के मकान मुल्क से बाहर हैं, वरना। अच्छा ठीक है ठीक है, हम लोग कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। अरे अरे, तुम क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। चलो तुम आराम से बैठो। लेकिन सेटिंग तो सब मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, तुम्हें करना, लेकिन सामान को तो अंदर आने दो। मेरा दिल चाहता है हमारा अपना एक घर हो जिसे मैं अपनी मर्जी से सेट करूं और बार बार ये शिफ्टिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे मेरी जॉब को 5 साल पूरे होंगे मैं लोन ले लूंगा और फिर हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। हजार दफा में मैंने कहा है कि मुझे सुबह जल्दी जगा दिया करो, आज फिर देर हो गई है मुझे। तुम हर रोज यही कहते हो और निकलते निकलते 10 बजा देते हो। रात नींद ही नहीं आई, सारी रात ये लोग चीजें घसीटते रहे। 2 लोगों का इतना सामान। शोहर ने सुबह दफ्तर जाना होगा इसलिए रात भर उन्होंने सामान सेट किया है। शुक्र है अभी ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें अपनी बीवियों का ख्याल है। तुम्हारी तरह नहीं है जो हिलकर पानी भी नहीं पी सकते, बस बेकार में बोलना आता है। जिसे तुम बेकार कह रही हो ना, वही खूबी है जिसकी वजह से मैंने इतनी तरक्की की है। बस करो अपने मुंह से अपनी तारीफें करना। इसे सुनो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें खुद जाके उन्हें मिलना चाहिए, वो लोग हमें मिलने आए हैं। अरे तुम जाके मिलो उनसे, अच्छे पड़ोसी को यही करते हैं। और ये भी पूछो कि उनको किसी चीज की जरूरत वगैरह तो नहीं। अच्छा, शौहर तो आफिस आता होगा, बीवी से मिलूंगी जाके। अजीब सी शक्ल है उसकी, एक डरी हुई चिड़िया जैसी। लगता है अभी हुश करूंगी तो जान निकल जाएगी। शौहर ने बड़े रोब में रखा हुआ है उसे। मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। बेकार बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तुम्हारा ख्याल है मैं बेकार बैठी रहती हूँ? दिन में मुझे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती है गुड़िया बनाने से। अगर तुम्हारे पास इतना ही काम है तो किसी को मदद के लिए क्यों नहीं रख लेती तुम? मगर तुम्हारी किसी से बनती हो तब ना। तुम जैसी बददमा औरत के साथ एक पल कोई इंसान काम नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से लोगों ने हमें मिलना जुलना बंद कर दिया है। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कौन मिलेगा ऐसे शख्स को जो दिन भर ऑफिस में शेखियां मारता हो और फिर घर आके अपनी बीवी पे रोब झाड़ता हो। चीखे जाओ, मैं जा रहा हूँ। टाए 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 सारा दिन। जाओ, शौक से जाओ, खुदा के वास्ते जाओ। तुम कल बहुत थक गए थे, आज छुट्टी कर लो ना। नहीं नहीं, इस साल मेरी बहुत छुट्टियां हो गई हैं और वैसे कोई खास थकन भी नहीं हो रही मुझे। हाँ, कोशिश करूंगा कि शाम को जल्दी वापस आ जाओ। तुम जा रही हो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने? देखूंगी, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और ये नीचे वाले लोग भी देखो अजीब हैं, कोई हमें पूछने ही नहीं आया। पता नहीं मेरी इनसे दोस्ती हो भी सकेगी या नहीं। तुम कुछ अरसा खामोशी से देखती रहो, 1-2 हफ्ते में तुम्हें इनकी तबीयतों का अंदाजा हो जाएगा। वो नीचे वाली औरत जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो उसने मुझे इतनी बेजारी से देखा था, हालांकि मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराई भी थी, लेकिन वो मुझे ऐसे ही संजीदगी से देखती रही। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे।
ऐसा करो कि तुम आज कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाओ, शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो हम खुद उनसे मिल लेंगे। भाई जब एक जगह रहना है तो कुछ तो ताल्लुकात पैदा कर रहे होंगे ना। अच्छा आज मैंने तुम्हारे लिए कोई लंच भी नहीं बनाया है, अब तुम बाहर से तो कुछ खाओगे नहीं, ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि चाय के साथ बिस्किट ले लूंगा, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा हूँ, आपके ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह ही आपके बारे में बात कर रहे थे, अंदर आ जाए। शुक्रिया। क्या करते हैं आपके शोहर? जी बैंक में हैं। आप घर पर ही होती होंगी? मैं कंप्यूटर क्लास में जाती हूँ, वहीं जा रही थी तो पैर में ही कील चुभने लगी है। हथौड़ी होगी आपके पास? हथौड़ी? आइए अंदर आइए, देखना पड़ेगा। आज असल में हमारा अपना सामान कुछ उलट पुलट हो गया है। यही कहीं पे होना चाहिए। मैं कपड़ों की गुड़िया बनाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत मजे का काम है, मुश्किल भी होगा। बड़ी सफाई है आपके हाथ में। मतलब ये काम मजे का लगा है आपको? हाँ बहुत खूब। पता है मेरी बनाई हुई गुड़िया लगता है अभी बोल पड़ेगी। हाँ क्या चाहिए था तुम्हें? थोड़ी, असल में ये ऐसी चीज़ है जिसे ढूंढना काफी मुश्किल है, रोजाना इस्तेमाल नहीं होती ना, और फिर जिस घर में दानिश ऐसा शोहर हो, हाथी भी घूम जाए तो मिल नहीं सकता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाके दूसरा जूता पहन लूंगी, वैसे भी क्लास को देर हो रही है। अपना सैंडल दिखाओ जरा। ये लो, हथौड़ी भी नहीं मिली और काम भी बन गया। जी शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। आज मैं नीचे गई थी हथौड़ी लेने, मुझे औरत है ना उसका नाम फौजिया है, अब वो कपड़े की गुड़िया बनाती है। कितना मुख्तलिफ सा काम है ना। वाकई मैंने भी कभी नहीं सोचा इस बारे में कि दुकानों पे जो ये गुड़ियाँ नजर आती हैं वो आती कहाँ से हैं। हाँ लेकिन दोनों में अभी भी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुम्हें किस चीज़ से अंदाज़ा हुआ? जब उसके मियाँ का जिक्र आया ना तो उसने इतनी बेजारी का इजहार किया था, जरा भी मोहब्बत नहीं थी उसके चेहरे पर। वाकई ये भी बहुत बड़ा अजाब होता है कि दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। हाँ आप देखो ना, अगर हमारी भी किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो जाती है तो हम पूरी दुनिया में ऐलान तो नहीं करते फिरते ना, और अपनी गलती मान भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से अपनी गलती मानने में कोई खराबी भी नहीं है। उनका बच्चा नहीं है कोई? नहीं बच्चे नहीं है, अच्छा ही है, इसमें कोई भलाई होगी। माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो बच्चे बिल्कुल उजड़ के रह जाते हैं। मैं जब सुबह पॉलिसी बेचने गया ना तो वो आदमी मुझे देख के क्या कहता है, दानिश तू तो गंजा हो गया। तब मैंने उसको पहचाना, अशरफ था। मैंने कहा अगर मैं गंजा हो गया तो तू भी तो मोटा हो गया। पढ़ाई में तो इतना निकम्मा हुआ करता था, फिर इतना मालदार कैसे हो गया? भाई का मालदारों से क्या ताल्लुक है, ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसा आ गया है कि हैरत होती है। इंश्योरेंस ली फिर उसने तुमसे? किसने? अशरफ ने और किसने? कह रहा सोच के बताएगा, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। पूरी बात क्या सुनूं? अगर तुम एक काम पूरी तरह नहीं कर सकते हो तो कुछ और शुरू कर दो। मतलब ये अना का तुमने क्या मसला बनाया हुआ है? जरूरी है कि एक नाकाम जिंदगी गुजारो? इस शहर के सबसे कामयाब तरीन इंश्योरेंस एजेंट को तुम नाकाम कह रहे हो? जिसका बेहतरीन दोस्त थी उसे पॉलिसी खरीदने पर रजामंद ना हो तो और कौन उसे क्या लेगा? तुमने मुझे पूरी बात सुनी? आधी बात पे तो तुम चिल्लाने लगती हो। अगर तुम इस बात पे राजी हो जाओ ना कि मैं गुड़िया बनाऊं और तुम उनकी मार्केटिंग करो तो हमारे दिन भी बदल सकते हैं। मेरा दिमाग खराब हुआ है ना कि अपना अच्छा खासा काम छोड़ के मैं ऐसे लोगों की तलाश में निकल जाऊं जो तुम्हारी बेढंगी गुड़िया खरीदें। मैं आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट, लेकिन ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये तो किस्मत ही ऐसे है
कि दूसरे लोगों से अपने काम की तारीफें सुनूं। आज सुबह वो ऊपर वाली लड़की भी हैरत से पागल हो रही थी, कह रही थी आप बहुत कमाल का काम करती हैं। वो आई थी, तुमने हमें बताया नहीं। तुम कुछ बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। वो आई थी मुझसे मिलने, मेरी एक एक गुड़िया की वो तारीफ करके गई है। वो तो मैं ही मसरूफ थी, उसको जल्दी जाना पड़ा, कह रही थी दोबारा आऊंगी। तुमने कोई खातिर मदारत की, चाय वाय पिलाई उसे? नाश्ता करके आई थी वो, या शायद नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं। अच्छा ऐसा करो, उन्हें कल ही चाय पे बुला लो। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? जी 1.5 साल। अच्छा। आप लोग कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे? नहीं जी, हमारी अरेंज मैरिज है। शादी से पहले सिर्फ हमारी 2 बार मुलाकात थी। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारी लव मैरिज है। और ऐसी लव मैरिज के दोनों खानदान हिल के रह गए थे। दानिश के घर वाले राजी ही नहीं हो रहे थे, इसने भाग के अपने एक दोस्त के यहाँ रहना शुरू कर दिया था। शेव बड़ा हुआ, हुलिया बिगड़ा हुआ, बिल्कुल मजनू बन गए थे तुम मेरे लिए। तुमने भी तो रो रो के अपना हुलिया बिगाड़ा हुआ था, सूखे कांटा हो गई थी, जान के लाले पड़ गए थे, खुदा की कसम। असल मजा ऐसी चीज में है कि इतनी मुश्किलों के बाद इतनी पसंदीदा चीज मिले। हमारी शादी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे यहाँ तो सब कुछ बहुत आराम से तय हो गया था। यानी कि कोई भी हलचल नहीं है? वही, मेरी तो जॉब में भी बहुत वैरायटी है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, उनको मुतासर करना पड़ता है। एक दफा जो शख्स मुझसे बात कर ले, फिर मजाल है जो बच के निकल जाए। तुमने फिर शेखियां मारना शुरू कर दी? तुम्हारी उन बातों से तो अच्छी है ना जो मेरे खामोश होने के बाद तुम शुरू कर दोगी। ये समोसे आपने बहुत मजे के बनाए हैं। मैं बाहर से लेके आया हूँ, बाजार से। अगर तुम इस बात पे चुप रहते तो बेहतर ना होता, लेकिन तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे बेइज्जत करने का। हमारे ज्यादातर रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, इसलिए काफी तन्हाई महसूस होती है यहाँ। पहले हफ्ते तो हम अपनी फूफी के यहाँ रहे थे, लेकिन ज्यादा दिन भी तो किसी और के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। हमारे ज्यादा मिलने जुलने वाले नहीं है यहाँ। कराची में वक्त भी इतनी तेज रफ्तारी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता दिन रात का। मैं हूँ फौजिया। क्या हुआ है, डरी हुई क्यों? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। वो फोन की घंटी बजती है बार बार, मैं उठाती हूँ तो कोई बोलता ही नहीं है। तो उसमें डरने की क्या बात है, कमी थोड़ी है ऐसे छचोरों के जिनके पास फालतू वक्त भी खूब हो। डांट क्यों नहीं देती हो? ऐसे कैसे डांट दूँ? आपकी आदत तो मैं देखती हूँ। अच्छा मैं असल में तुमसे कॉफ़ी मांगने आई थी, मुझे खुद वक्त नहीं मिला बाजार जाने का, और मजाल है दानिश की कि मेरी किसी जरूरत का एहसास करे। मैं देखती हूँ कॉफी, शायद किसी ने हमें दी तो थी, हम दोनों तो पीते नहीं। आप बैठिए। तुम रुको, मैं देखती हूँ। मोहतरम, अगर आप किसी गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं तो आइंदा फोन नहीं करेंगे, आखिर आपके घर में भी तो माँ बहने होंगी। समझ आया या मैं कोई और तरीका अख्तियार करूं समझाने का? मैं तो कभी भी इस तरह से बात नहीं कर सकती हूं, ऐसे मामला तो मुझे बहुत डर लगता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूं। तुम मुझे आप नहीं तुम कह सकती हो। पता है मैं स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही बहुत बहादुर हूं। मेरे भाई का जब किसी से झगड़ा होता था ना, तो वो कहता था मुझे तंग करोगे तो मैं फौजिया को बुला लूंगा, हालांकि वो मेरा बड़ा भाई था। ये शादी ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। लेकिन तुमने तो लव मैरिज की थी ना? इंसान को बदलते देर तो नहीं लगती। दानिश बहुत लालची आदमी है, मेरे पैसे छीन लेते हैं, ना दूं तो झगड़ा करते हैं। हो सकता है उसने दूसरी शादी की भी हो। ये तो बहुत परेशानी की बात है। है तो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। दानिश को देखा, कितना शेखखोरा इंसान है, मुझे तो उसकी आधी से ज्यादा बातें झूठ लग रही थी। ऐसे लोग बेचारे बड़े इनसिक्योर होते हैं। अब तुम देखो ना, तुम्हारी अपने ऑफिस में कितनी अच्छी पोजीशन है, लेकिन तुम तो कभी इस तरह से बात नहीं करते। इंसान इंसान की बात होती है,
फौजिया के तो मूड ही एक मिनट में तब्दील हो रहे थे। मोहब्बत की शादी पर यह हाल है। वैसे इतनी बुरी औरत नहीं लगी मुझे, काफी हमदर्द सी है। आज उसने मेरी इतनी मदद की नबीर। तुम्हारी मुलाकात हुई थी आज उससे? हाँ, वो आई थी कॉफी लेने। उस वक्त टेलीफोन पे इतने क्रैंक कॉल्स आ रहे थे, उसने इतनी जबरदस्त तरीके से उसको डांटा है नबीर, जो कोई भी होगा ना उसके होश बिल्कुल ठिकाने आ गए होंगे। पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को इस किस्म की कॉल्स में। मैं होता तो और भी दिमाग दुरुस्त कर लेता, मर के तो बात करने का अंदाज ही कुछ और होता है। ठीक कह रहे नबी, तुम्हारे ख्याल में मुझे अभी कितना कंप्यूटर सीखना पड़ेगा जॉब हासिल करने के लिए? अभी तुम्हें काफी मेहनत की जरूरत है, विंडोज तक भी नहीं पहुंची हो तुम। मैं घर में पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ, मैं कुछ जॉब करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बैंक में ही कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपने अंदर कुछ एतमाद तो पैदा करो। सारे साहब, आप पूरे 45 मिनट देर से आए हैं और मसला ये है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। आई एम सॉरी सर, वो दरअसल शरा फैसल पे सर इतने सिग्नल्स हैं कि अच्छा खासा वक्त बर्बाद हो जाता है सर। आप ऐसा करें कि पॉलिसियों के सिलसिले में अगर कोई ब्रोशर्स हो तो वो छोड़ दें, मैं उन्हें देख कर आपको बुला दूँ। सर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, मगर अगर आप मुझे 15 मिनट दें तो मैं सारी पॉलिसी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर देखिए ये मैंने पॉलिसी सर मशहूर अदाकार माजिद हसन साहब उनके लिए 40,000 रुपये सालाना है सर, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल यही पैकेज मैं आपके लिए भी बना दूंगा सर। मैं आपको कॉल कर लूँगा सर। वो 12 तारीख तक आप 25 गुड़िया दे सकती हैं? जरा तो वक्त बढ़ा दे, इतने कम टाइम में तो बहुत ही मुश्किल होगा। सारा मसला ही वक्त का है, बाहर की पार्टी है, पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, कल तो बड़ा ऑर्डर भी आ सकता है। खैर वो तो मेरा काम ही ऐसा है कि दूर दूर तक शोहरत फैल रही है। फिर कैसी गुड़ियाँ चाहते हैं आप? इलाकाई लिबासों वाली। एक तो लोग नए तजर्बात ही नहीं करते, कपड़ों की गुड़ियों के बारे में खुद ही सोच लिया कि सिर्फ लहंगों और मटकों में नजर आ सकती हैं। आखिर ये नए दौर की गुड़ियाँ क्यों नहीं बनवाते? इसलिए कि ये गुड़ियाँ बाहर जाती हैं और वहाँ के लोग हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये भी तो कल्चर है। क्या आंक रही हो, बात को मुख्तसर कर खत्म करो, ऑर्डर लेना या नहीं? इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, बीच में मत बोलो। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ऑर्डर पूरा हो जाएगा आपका। जब भी मेरा कोई क्लाइंट आता है ना, जब भी मेरा कोई क्लाइंट आता है तुम बीच में चीखने लग जाते हो। तो तुम बात ही ऐसी करती हो, खामखा शरीफ आदमी की जिंदगी को अजाब में मुब्तला कर दिया था तुमने। चीखते रहो चीखते रहो, मैं जा रही हूँ बाजार तार और कपड़ा खरीदने। देखा आपने कैसे बात करती है मेरे साथ। असल में आपको भी नए लोगों के सामने इतना खफा नहीं होना चाहिए था। नया नहीं है ये, बरसों से तमाशा देखता आ रहा है। मैं तो नहीं हूँ, अभी कहाँ जानती हूँ आप लोगों को। जान जाओगी, हमारी जिंदगी तो एक खुली हुई किताब है, जो चाहे पढ़। लेकिन अपने घर के मसलों को यूं सब लोगों के सामने लाना अच्छी बात तो नहीं है। मसलों की टेंशन से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इसको छुपाने का आजाद भी सर ले लो। ये जिंदगी जान छोड़ती है ना ये औरत। मैं इसे किसी दिन अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। कैसी हो तुम यहाँ? हाँ मैं गुजर रही थी, तुमसे काम भी है। काम? छोड़ो ना ऐसे, इधर देख के मेरी बात सुनो। आप बोलो। क्या कर रही हो? तो बात तुम्हें देख के इतनी उलझन हो रही है। तो मुझे गुड़िया बनाने का ऑर्डर मिला है ना, तुम उसमें मेरी हेल्प करो, यहाँ से छुट्टी लो। छुट्टी? मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्या फायदा है इस काम का? पैसे बनाओ पैसे। चलो उठो अभी।
अरे लेकिन मुझे क्या पता है गुड़ियों का, मैं किस काम के लिए हूँ? उठो, कुछ बेहतर काम करो खुदा के वास्ते। उठो। अच्छा कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? अच्छा तो मैं बता रही थी ना कि मेरा दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा फौजिया के साथ। पहले हम लोग बाजार गए, हमने वहां से पुराने कपड़े खरीदे, धागे खरीदे, तार वगैरह खरीदे, बड़ा मजा आया। तुमने छुट्टियां ले ली और मुझसे पूछा भी नहीं? तुमसे? ओ हाँ, वो पता है आज अचानक ही फैसला हो गया ना खड़े खड़े। फौजिया कह रही थी ये तजुर्बा करने में कोई हरज तो है नहीं, और वैसे कपड़े की गुड़ियां बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे सिलाई आती है ना अच्छी, तो वो कह रही थी कि मैं कर लूंगी। तो वो खुश हो ना नबीर, है ना? हाँ, मगर आजकल कपड़े की गुड़ियों को पूछना कौन है, एक से एक बार्बी डॉल्स मिल रही हैं बाजार में। नहीं नहीं नबील, तुम्हें नहीं पता, फौजिया कह रही थी कि अभी भी इन गुड़ियों की बड़ी मांग है, खासतौर पर मुल्क से बाहर। अच्छा अब छोड़ो ना, मूड चेंज करो प्लीज। खीरा खाओ। बेकार बताया कर रही हो तुम, ये तुम मुरव्वत ना क्या कर रही हो ना, इसीलिए इनकार नहीं कर सकते। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ये काम बहुत मजे का लग रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के जज्बात का इतना ख्याल रखते हैं। असल में मेरी फौजिया से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इसलिए हुई है कि तुम उसकी हर बात मान लेती हो, तुम उसको अपना गुरु मानती हो ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी बात है, लेकिन ये तो उसकी पुरानी आदत है, लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देती है वो, अपना काम निकल जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखती वो। ऐसी लगती तो नहीं है वो। तुम उसे जानती नहीं हो ना, इसीलिए मैं झूठा लग रहा। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, तुम बेशक मुझे गलत समझो। नहीं नहीं मैं आपको गलत नहीं समझती। उसने तुम्हें पैसे का लालच दिया है ना, लेकिन लिख लो एक पैसा नहीं देगी वो तुम्हें। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ साइमा, कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की है, फौजिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, ऐसी लड़की जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। नबी बहुत खुशकिस्मत है साहब कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। दानिश और फौजिया में से कोई एक तो झूठा जरूर है, लेकिन कौन झूठा है ये मुझे समझ में नहीं आता, और यही सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होता रहता है। हो सकता है ये वो दोनों सच बोलते हो, लेकिन वो दोनों जिसे पे इतने अजीब अजीब से इल्जाम लगाते हैं ना कि दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते। फिर वो दोनों ही झूठे होंगे। अभी तुम्हारा काम कितना बाकी है उन लोगों के साथ? अभी तो काफी दिन है। क्या हुआ, थक गई? चलो चलो ऐसा ऐसा वॉक करो, शाबाश। तुम्हें याद है मैंने कॉलेज में नफ्सियात पढ़ी थी? अब मुझे लगता है जैसे मैं नफ्सियात ही की डॉक्टर बनना चाहती थी, और जैसे मुझे कोई केस मिल जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे पड़ोसी नफ्सियाती मरीज है। दोनों में से कोई एक तो जरूर है, या फिर शायद दोनों ही।
सैमा, इन दोनों के लिए लड़ना इतना ही जरूरी है जितना खाना खाना और सांस लेना। हाँ नबील, लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते भी बहुत है, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तुमने कंप्यूटर सेंटर भी छोड़ दिया, अच्छा खासा तुम्हारा वक्त गुजर जाता था वहाँ पे। हाँ लेकिन वक्त तो मेरा अभी भी अच्छा गुजर जाता है। मालिदा कम पानी देना पर परमश का पावे, मालिक दा कम फल फूल लाउना लावे आना लावे। पता है मेरा बचपन बहुत सख्त माहौल में गुजरा है, मेरे अब्बा गुस्से के बहुत तेज थे, अम्मी हमेशा उनसे डरी डरी सी रहती थी। मैंने कभी भी अपनी अम्मी को अब्बा के सामने एतमाद से बात करते नहीं देखा, शायद इसीलिए मैं भी ऐसी ही हूं। लोगों को एहसास नहीं होता कि बाज़ औक़ात उनका रवैया दूसरे लोगों की जिंदगी बिल्कुल तबाह करके रख देता है। वो अनजाने में दूसरों के जज्बातों के साथ खेल रहे होते हैं। मैं कभी अपने दोस्तों के साथ भी खुलकर नहीं हंसी, गाना सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे नाखूनों में मिर्चें भर दिया करते थे ताकि मैं उन्हें दांतों से ना काट सकूं। इस मामले में मैं खुशकिस्मत रही हूँ, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है, बिल्कुल ख्वाबों की तरह से। मुझे याद नहीं है कि मेरी ऐसी कोई फरमाइश हो जो पूरी ना हुई, मैंने जो चाहा मुझे मिला। अब कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था मरी रोड पे। I'm sorry. उनकी जिंदगी भी बहुत बहुत प्यार भरी गुजरी थी। इतना अफसोस होता उन्हें मुझे इस अजाब में देख के, मैं उनकी इकलौती औलाद थी। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ही पढ़ता था। वो तो मेरा कजन था। ओ तो अब तुम्हारा कोई नहीं है? एक बूढ़ी सी दादी है लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बात कहूँ फजिया, बुरा नहीं मनाना, इन हालात के जिम्मेदार कुछ कुछ तुम खुद भी हो, तुम जरा तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। तुम क्या समझती हो कि मैं हमेशा से ऐसे ही थी? नहीं, लेकिन शादी के 7 साल तक दानिश का रवैया बर्दाश्त करते करते मैं थक सी गई हूँ। ऐसी थी नहीं, हो गई हूँ। दानिश ऐसा आदमी लगता तो नहीं है, ना पूरे एतमाद सा इंसान है, हर बात को इतनी अहमियत देता है, गौर से सुनता है। तुम उसे जानती नहीं हो इसलिए सब कुछ समझ रही हो। मैं जरा जुबान की तेज जरूर हूँ लेकिन कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। दानिश कई कई दिन के लिए गायब हो जाता है मुझे अकेला छोड़ के। कहाँ गायब हो जाता है? पता नहीं, पहले तो उसने देर से आना शुरू किया, फिर 2-2 दिन के लिए गायब होने लगा। पिछले महीने वो 4 दिन तक नहीं आया था। रश्क आता है मुझे ऐसी बीवियों पे जिनके शोहर कम से कम घर तो वक्त पे आ जाते हैं। नबील वैसे तो रोज वक्त पर ही आ जाता है लेकिन कभी कभी देर हो भी जाती है। लेकिन कोई गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती है। दानिश कोई गलती करे भी ना तो इतना स्वीट सा हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि उसके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तुम्हें उससे मोहब्बत है? हाँ। उसे बच्चे पसंद नहीं है इसलिए मैं मां नहीं बनी, बेजान गुड़ियों में पना ढूंढी है मैंने। इसीलिए कि मैं उसे चाहती हूँ। Thank you.
हैं निखरते हैं दिल में उतरते हैं सुन ले तराना क्या सुहाना समा है ये रंग महफिल मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। एक औरत है आ जाया करेगी सारा दिन तुम्हारे साथ रहेगी। अब उठो ना बाहर चलते आओ। पता है फौजिया कह रही थी कि पहले दानिश ने भी देर से ही घर आना शुरू किया था और अब तो वो कई कई दिन तक घर से गायब रहता है। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना नबील? पता नहीं क्या मसला है उन लोगों के साथ, उन्हें तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें भी उनसे जरा दूर ही रहना चाहिए। उनके मूड और मिजाज हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, हम उनके साथ नहीं चल सकते। नहीं ऐसा तो नहीं है, कम से कम मेरे मामले में तो नहीं है। मुझे तो लगता है मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ और देखो ना मेरे अंदर एतमाद कितना बढ़ गया है। क्या एतमाद बढ़ा दिया उन लोगों ने तुम्हारे अंदर? जरा सा देर से आ जाओ तो तुम्हारी जान निकल जाती है। तुम कुछ भी कहो लेकिन उन लोगों ने मुझे समझा है। पता है जब मैंने अपनी पहली गुड़िया बनाई थी ना तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे लगा था जैसे मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जैसे लोगों को मेरे काम की ज़रूरत है। और वहाँ कंप्यूटर सेंटर में तो लगता था जैसे मैं सदियों से एक ही जगह ठहर गई हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब इतना कुछ आ गया है तो BA का इंग्लिश का पेपर तो क्लियर करो, अगर पास हो गए तो कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। तंज कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जब जिंदगी के फैसले करें तो हमारी जिंदगी में कोई तीसरा शख्स शामिल ना हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम फौजिया को इतनी ज्यादा अहमियत देती हो। हम हैं ना एक दूसरे से मशवरे करने के लिए। तुम कहाँ मेरी बात सुनते हो, मैं ही हमेशा तुम्हारे मशवरों पर अमल करती रहती हूँ। अब हर चीज तो यह तरफा नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं, सिर्फ तुम्हारे समझने की गलती है।